एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और तापसे इन्वेस्टिगेट के लिए जंगल में जाता है। वह अपने विजन से देखता है कि उस इमारत के अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वहीं तापसे देखता है कि कहीं दूर में फूमिया और आयाको हैं। वे दोनों भी इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं और उन्हें भी अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तभी चुपके से तापसे उनके पीछे आता है और उनके नाम पुकारता है। यह सुनकर वे दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तब आयाको कहती है, बड़े भाई हमें ऐसे डराया मत करो। तात्सुया कहता है, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। फिर आयाको कहती है, तो तुम्हें इस कड़ी आवाज़ में बोलने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद वे दोनों तात्सुया को बताते हैं कि वे लोग भी इन्वेस्टिगेट करने आए हैं लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इस कारण से वे लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तब तात्सुया कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, घर वापस चलते हैं। तभी कुछ दूर से याकुमो कहता है, ठीक है ठीक है। यह सुनकर फूमिया और आयाको दोनों घबरा जाते हैं कि भला अब कौन आ गया। तात्सुया बताता है कि यह उसका मास्टर याकुमो है। तात्सुया पूछता है, क्या आपको कुछ पता चला। याकुमो बताता है, उन्होंने अपना सेटअप अभी नहीं लगाया है और वहीं वे लोग पैरासाइट डॉल्स को कहाँ लगाएंगे यह पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। सीन चेंज होता है, कॉम्पिटिशन का पहला दिन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि अब वह इंतज़ार ख़त्म हो गया है। फाइनली नेशनल स्कूल कंपटीशन चालू हो गया और उसके सारे इवेंट्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद रोवर एंड गनर वाला इवेंट चालू होता है जिसमें ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। इस इवेंट में एक बंदी बोर्ड चलाती है और दूसरी बंदी शूट करती है। अगले सीन में तात्सुया इस बंदे को CAD के बारे में कुछ बता रहा होता है और उसके जाने के बाद वह पिक्सी से पूछता है, क्या उसे कुछ पता चला। बदले में पिक्सी बताती है, उसे अपने जैसे पैरासाइट्स आसपास नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है वे पैरासाइट्स अभी हाइबरनेशन में हैं। इसके बाद हमें मियुकी और तात्सुया को दिखाया जाता है। वे लोग अपने अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी मियुकी अपने बेड से उठती है और तात्सुया के बेड के पास जाती है और वह सोचने लगती है कि शायद तात्सुया को ठंड लग रही होगी। असल में देखा जाए तो मियुकी को ठंड लग रही होती है। फिर भी वह तात्सुया के सिर पर हाथ रख कर देखती है, उसका बॉडी थोड़ा ठंडा होता है तो मियुकी उसके बॉडी को गर्म करना चाहती है लेकिन वह अपने कपड़े नहीं खोल सकती तो वह उसी तरह उसके बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और कंपटीशन का दूसरा दिन होता है। तात्सुया अपने टेंट में होता है। तभी वहाँ पर मसाकी आता है, वह तात्सुया से कुछ बात करना चाहता है। वह बताता है कि इसमें JDF इन्वॉल्व है, खासकर कर्नल सकाई। वो चाहते हैं कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स सब डिफेंस एकेडमी छोड़कर JDF ज्वाइन करें। बदले में तात्सुया पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। मसाकी बताता है, असल में कर्नल सकाई उसके पिता का करीबी दोस्त था। मसाकी ने अपनी पूरी बात बताई भी नहीं होती है और तात्सुया उसे रोक देता है और कहता है, मुझे ये सब बात मत बताओ। असल में वह उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता है क्योंकि वह पहले से ही परेशान है। इसके बावजूद भी मसाकी कहता चला जाता है। 4 साल बीत गए हैं, वे दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और अपनी कहानी सुनाने लगता है। वहीं तात्सुया उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कुछ सोचने लगता है। एक पल के लिए तात्सुया को लगता है कि इन सब के पीछे मसाकी कहाँ थे, लेकिन नहीं, इसके पीछे कोई और है। अगर सिचुएशन इससे भी ख़राब हो जाएगा तो तात्सुया को ये सब चीज़ अकेले संभालना पड़ेगा। वहीं सोचता है, अगर वह मटेरियल बर्स्ट वाला स्पिल करके उस इवेंट को ही उड़ा देगा तो क्या होगा। शायद वह पता नहीं कर पाएगा कि इसके पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है। साथ ही वह JDF के इंटेंशन के बारे में पता नहीं कर पाएगा। वहीं मसाकी चिल्लाकर तात्सुया से पूछता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तात्सुया झूठ मूठ बोल देता है, हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। सीन चेंज होता है, कंपटीशन का तीसरा दिन दिखाया जाता है जिसमें शील्ड वाला मैच चल रहा होता है और फर्स्ट हाई स्कूल से ये दोनों विनर बनते हैं। वहीं सुजुगु आइस पिलर ब्रेक में विनर बनती है। रात का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग सुजुगु को बधाई दे रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। तभी ये बंदी कहती है, हम लोग तात्सुया के स्ट्रेटजी से जीते हैं, अगर यह ना रहता तो हम जीत नहीं पाते। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि फिर तात्सुया को पिक्सी की आवाज़ सुनाई देती है। असल में उसने एक ऐसा डिवाइस लगाई होती है ताकि वह पिक्सी से हर वक्त कॉन्टैक्ट में रहे। पिक्सी उसे बताती है उसकी जैसे 16 पैरासाइट्स पाए गए हैं। फिर तात्सुया बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। वह कहता है, मशीन में कुछ इशू आई है तो मैं देख कर आता हूँ। तात्सुया पिक्सी के पास पहुँचता है। पिक्सी बताती है कि कुछ समय पहले इस लोकेशन से पॉइंट मिल रहा था और अब वे नहीं मिल रहे हैं, शायद ये दोबारा हाइबरनेशन में चले गए। इस वजह से तात्सुया फिर निकल पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस बार मियुकी उसे रोक लेती है और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने नहीं देती।
तब तात्या उससे पूछता है, आखिर बात क्या है? म्यूकी कहती है, क्या तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है? तात्या कहता है, पिक्सी को पैरासाइट का लोकेशन मिला है और हमारे पास क्लू है। म्यूकी बहुत गुस्से में होती है और उसके चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगती है। वह कहती है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट को रोको या फिर सभी स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करो क्रॉस कंट्री वाले इवेंट में। भला ही म्यूकी सेल्फिश टाइप की बात करती है, लेकिन यही सच है। तात्या को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वह केवल म्यूकी की रक्षा कर सके, ना कि सबकी। और अंत में म्यूकी कहती है, अगर तुम अब भी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। और बर्फीली हवाएं चलने लगती है। तात्या कहता है, म्यूकी ये पागलपन बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर म्यूकी उसे बताती है, वह अपने आप को तोड़ देगा क्योंकि वह पूरे समय बिजी रहता है। वही सारे स्टूडेंट्स का CID चेक करता है और अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचता है। और यह कहकर म्यूकी रोने लगती है। यह सब सुनने के बाद तात्या रुकने के लिए मान जाता है। वह म्यूकी से कहता है, तुमने सही कहा, मैं बस तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम सेफ हो तो यही काफ़ी है मेरे लिए। सीन चेंज होता है। कॉम्पिटिशन का चौथा दिन दिखाया जाता है। तात्या अपने टेंट पर काम कर रहा होता है, तभी यह व्यक्ति आता है और वह तात्या से कहता है, आज तुम अच्छे और एनर्जेटिक दिख रहे हो, पता नहीं तुम्हें कल क्या हो गया था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तुम अपना 100% दोगे। कंपटीशन का पांचवा और छठा दिन का सीन दिखाया जाता है। काजुमी और इजुमी विनर्स बनते हैं। वहीं इजुमी अपना सारा क्रेडिट म्यूकी को देती है। फिर सातवें दिन का सीन दिखाया जाता है। आयाको मिराज बैट वाले कंपटीशन में फर्स्ट आती है। वहीं आठवें दिन जॉर्ज ताकुमो को हराता है। रात का सीन दिखाया जाता है। तात्या पिक्सी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उन्हें पैरासाइट के बारे में कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर याकुमो आता है। वहीं दूसरी ओर से युको आती है। तब तात्या को समझ में आ जाता है। वह कहता है, मुझे लग ही रहा था कि मैसेज तुमने भेजा है, और वह उस सिलसिले में बहुत परेशान हो गया था। तात्या बताता है, पहले तो ये लोग इवेंट को चेंज कर दिए और उसमें ज़्यादा मारपीट वाला इवेंट डाला गया। इसके बाद कुड़ो ने प्लान बनाया कि वह पैरासाइट्स को फील्ड में उतारेगा। युको बताती है कि उसके दादाजी इसके खिलाफ थे, उसे किसी ने बहकाया है। तब तात्या कहता है, ठीक है, हम मान लेते हैं, जिस पर्सन ने तुम्हारे दादाजी को बहकाया है उसे हम एक्स कहेंगे। असल में एक्स पर्सन और कोई नहीं, गोंजिंग है। उसे फिक्र भी नहीं है इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स लोगों का क्या हाल होने वाला है, और उसका एक ही मकसद है, उन जादूगरों को ख़त्म करना जो उसकी मदद ना करे। यही सब सोचकर युको तात्या के पास आई होती है। असल में युको चाहती है कि तात्या उसकी मदद करे पैरासाइट डॉल्स को रोकने के लिए, और वह तात्या के लिए उसका वेपन सूट भी लाई होती है। अंत में तात्या उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद तात्या और पिक्सी वहाँ से जाने लगते हैं। तब याकुमो तात्या से कहता है, मैं ज़रा इस लेडी को घर छोड़कर आता हूँ। फिर याकुमो और युको साथ में जाने लगते हैं। रास्ते में याकुमो पूछता है, क्या पैरासाइट डॉल्स अपना कंट्रोल खो सकते हैं? युको कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर याकुमो बताता है, मैंने कुछ दिन पहले टेम्पल में विजिट किया था, और वहाँ मुझे पता चला कि बुद्धिज़्म में ऐसा बताया गया है कि वे लोग भी दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं एक पपेट की तरह, और अगर वह पपेट अपना कंट्रोल खो दे तो वे लोग पनिशमेंट के तौर पर उसे सील कर देते हैं। इसके बाद याकुमो युको की तरफ बहुत डरावने तरीके से घूरता है और वह स्पेल उस पर करता है, यानी कि पपेट कंट्रोल वाला, और उससे पूछता है, जो कंट्रोल स्पेल है वही स्पेल सीलिंग स्पेल है। अगर पैरासाइट्स डॉल चाहकर वे स्टूडेंट्स पर अटैक करेंगे तो वे अपने आप को सील कर लेंगे, क्योंकि उनका ओरिजिनल स्पेल एक ही है। इसके बाद युको गिर जाती है। तब याकुमो उसे कहता है, तो तुम्हें ये सब तात्या को बता देना चाहिए था ना, उसे डेंजर में डालने की क्या ज़रूरत थी? तभी उधर से कजामा आता है और वह याकुमो से कहता है, अगर तुम्हें यह सब बात पहले से पता थी तो तुमने तात्या को क्यों नहीं रोका? याकुमो कहता है, अगर मैं उसे रोकता तो मुसीबत आ सकती थी। फिर वह बताता है, पैरासाइट दूसरे दुनिया से आए हैं और वे लोग स्ट्रॉन्ग सोच वाले व्यक्ति पर कब्जा करते हैं, यानी कि कंपटीशन में होने वाले पार्टिसिपेंट्स पर। असल में याकुमो भी यही चाहता है कि वह पैरासाइट स्टूडेंट्स पर अपना पावर दिखाएं। और वह अंत में कहता है, यह बात मेरे तक ही सीमित रहेगी, मैं किसी को नहीं बताने वाला। बदले में वह कदामा से चाहता है कि वह उसके बारे में बताए जिसने बाहर से जादूगरों को कूड़ों के पास भेजा था। कदामा बताता है, चाइना टाउन में एक बंदा है जिसका नाम गोंजिन है, उसी ने उन्हें भेजा है। याकुमो कहता है, गोंजिन, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। तब कदामा कहता है, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? याकुमो बात को घुमा देता है और बताता है, जो उसे यहाँ से पता करना था पता कर लिया है और अब वहाँ से जा रहा है। फिर युको उठती है और वह कजामा से सवाल पूछे
इससे पहले कदामा कहता है यहाँ से चलो इससे पहले कि तात्या देख न ले। लेकिन उन्हें यह बात कहाँ पता थी कि तात्या कब से वहाँ पर था और उसने सारी बातें सुन ली है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।